मध्य प्रदेश में मिशन 2023 फतह के लिए प्रदेश में 5 क्षेत्रों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जानी है। पहली यात्रा की शुरुआत रविवार को सतना जिले से होगी। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, जो निवाड़ी जिले में राम राजा दरबार में खत्म होगी। सतना जिले के मझगवां के मिचकुरियान गांव से इस यात्रा की शुरुआत होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि होंगे, जो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और विशाल सभा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा की शुरुआती सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बृजेंद्र सिंह राजेंद्र शुक्ल सहित आधा दर्जन मंत्री यात्रा में शामिल होंगे। पहली यात्रा में विंध्य बुंदेलखंड को शामिल किया गया है। विंध्य के सतना से यात्रा की शुरुआत होगी और फिर बुंदेलखंड में इस यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा 11 जिले में जाएगी और 48 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। सतना में ये यात्रा 3 दिनों तक चलेगी। इसके बाद रीवा, सीधी, सिंगरौली होते हुए शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, पन्ना, छतरपुर से होकर निवाड़ी में सम्पन्न होगी। मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में, 230 विधानसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का निश्चय किया है और उसकी शुरुआत कल चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवा निचकुरिन गांव से, जो भगवान राम की तपोभूमि है, वहां से शुरू कर रहे हैं। और उस यात्रा को शुरुआत कराने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पधार रहे हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हमारे प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष आदरणीय बी डी शर्मा जी रहेंगे और हमारे केंद्रीय नेता बड़ी संख्या में कल उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। स्टेट लेवल के कौन कौन मंत्री रहेंगे? भारत सरकार में जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं उसमें आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, ये 5 मंत्री रहने वाले हैं। और केंद्र के जो हमारे संगठन की तरफ से जिनको प्रभारी बनाया गया, आदरणीय भूपेंद्र सिंह यादव जी, वो भी रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के मंत्रियों में नरोत्तम मिश्रा जी रहने वाले हैं, राजेंद्र शुक्ल जी रहने वाले हैं, राम खिलावन पटेल जी रहने वाले हैं, आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी रहने वाले हैं और हमारे कई केंद्रीय टोली के सदस्य आ रहे हैं, राज्य के हमारे संभाग की टोली के सदस्य आ रहे हैं, हमारे कई सांसद गण आ रहे हैं, कई विधायक गण आ रहे हैं। कल बड़ी संख्या में इस यात्रा के शुरुआत के समय पर आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर मिलेंगे। पहली टोली का जो रूट चार्ट है वो क्या रूट मैप है, जो कैसे कहां? पहली ऐसी 5 टोलियां हैं। पहली टोली बिंध और बुंदेलखंड और महाकौशल का एक जिला है कटनी, वो शामिल किया गया है। ऐसे 11 जिले हैं और 2 जिले उसमें और शामिल हैं, निवाड़ी और मऊगंज। इस तरह से 13 जिले में कह सकता हूँ, 48 विधानसभा है। ये यात्रा 3 तारीख को शुरू होगी। 3, 4, 5 सतना जिले की 7 विधानसभा में रहेगी। 6, 7 को छुट्टी है, 8 और 9 ये रीवा जिले की 8 विधानसभा में जाएंगे। इसी क्रम में हम सीधी जाएंगे, इसी क्रम में हम सिंगरौली जाएंगे, इसी क्रम में हम शहडोल जाएंगे, फिर इसी क्रम में हम अनूपपुर जाएंगे, फिर हम उमरिया जाएंगे, उमरिया के बाद हम पन्ना आएंगे, कटनी आएंगे, कटनी के बाद हम पन्ना जिले में जाएंगे, फिर हम जाएंगे छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में राम राजा सरकार की धरती में जा करके इस यात्रा का समापन होगा। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।